हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए कढ़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। गर्मी के दिनों में सब्जियाँ हमें पसंद नहीं आती है, उस टाइम पे ये कढ़ी हमें बहुत अच्छी लगेंगी। ये कढ़ी बनाने के लिए मैंने एक बर्तन लिया है, उसके अंदर मैंने एक बाउल भर के दही लिया है। जो बाउल से हमने दही लिया है उसी बाउल से हम चार गुना इसके अंदर पानी डालेंगे। जैसे एक बाउल दही है तो मैं चार बाउल उसके अंदर पानी डालूंगी। ये हो गए हमारे चार बाउल पानी, मतलब आप जिस भी चीज से दही लेते हो उसी मेजरमेंट से हम चार गुना पानी लेंगे। उसके अंदर मैंने दो टेबलस्पून बेसन डाला है और एक टेबलस्पून, टोटल मैंने तीन टेबलस्पून बेसन डाला है इसके अंदर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपके पास जो विस्कर हो उससे आप उसे मिक्स कर सकते हैं। अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर मैं 8-10 कड़ी पत्ता डालती हूँ, करी लीव्स। इसके अंदर 1 टीस्पून भर के मैंने नमक डाला है। अब हम इसे उबलने के लिए रख देंगे। अब उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून अदरक मिर्च की पेस्ट डाली है। अब वो हम उस कढ़ी में डालने के लिए एक तड़का तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून घी लिया है और 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। कढ़ी को हमने उबाल के अच्छे से तैयार कर लिया है। अब हम उसमें तड़का डालेंगे। तड़का बनाने के लिए मैंने 1 टीस्पून सरसों ली है, 1/2 टीस्पून जीरा लिया है। अब जब राई तड़कने लगेंगी हम उसमें सूखी लाल मिर्च डाल देंगे और 1 से 2 तेजपान डाल देंगे। अगर आपके पास तेजपान ना हो तो आप दालचीनी का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। अब ये बघार तैयार हो गया है, राई तड़कने लगी है। ये बघार करने के लिए हमें इस तरह से हैंडल वाला ही बर्तन लेना है। अब इसके अंदर मैंने लहसुन और हरी मिर्च गोल गोल बारीक बारीक काट ली है, वो मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जितना लिया है। अब हम इसके अंदर लहसुन और हरी मिर्च को अच्छे से गुलाबी होने देंगे। इसे इस तरह से हिला हिला के पूरी तरह से हमें लाल करना है। इस कढ़ी के अंदर यह तड़का बहुत मेन है। अब इसके अंदर मैंने 1/4 टीस्पून जितनी हल्दी डाल दी है और इस तरह से जो हमारा बर्तन है उसे हमें थोड़ा टेढ़ा करना है और उसके अंदर हमने कढ़ी डाली, जिससे उसके अंदर एक स्मोकी इफेक्ट आएगा। क्योंकि ऑयल थोड़ा सा जब हमारे गैस के अंदर इसे उड़ता है तो उसके अंदर एक टाइप का स्मोकी इफेक्ट आता है। और वो तड़का मैंने इस कढ़ी में डाल दिया है। अब ये कढ़ी में तड़का डालने के बाद हम 5 से 7 मिनट इसे और उबालेंगे, जिससे तड़के का फ्लेवर बहुत अच्छा कढ़ी के अंदर आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, हमारी कढ़ी एकदम उबल के रेडी हो गई है। इसकी थिकनेस आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपके घर में ज्यादा थिक खाते हैं तो आप इसको थोड़ा ज्यादा देर उबालिए, और थोड़ी पतली चाहिए तो आप इस टाइम पे से उतार लीजिए। और ये ठंडी होने के बाद और थोड़ी मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड, हमारी कढ़ी एकदम रेडी हो गई है। इसके ऊपर फिर से मैंने हल्का सा तड़का डाला है और हरी धनिया से इसे डेकोरेट किया है। आप इस कढ़ी को रोटी चावल के साथ खाइए, ये बहुत टेस्टी है।